डियर स्टूडेंट वी हैव डिस्कस अबाउट द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ योर पैनल इंडिकेटर कि पैनल वेरिएबल में जब हम जाते हैं तो उसको किस तरह चेक करना है वट इज़ द बिहेवियर ऑफ योर वेरिएबल तो बिहेवियर ऑफ वेरिएबल के लिए यस वी हैव द वायटी ऑफ डिस्क्रिप्टिव लाइक पैटर्न हम उनके लाइक मीन मीडियम रेंज स्टैंडर्डावेशन चेक कर सकते हैं येस वी कैन चेक द ग्राफ ग्रॉफिकल एनालिसिस में यह हर कंट्री का सेपरेट और उसको कंपेरेबल बना के कौन सा कंट्रीज अपर रेंज में है कौन से लोअर रेंज में है कौन से कंट्रीज़ की लाइक जीडीपी डी है कौन सी की वोटाइल वोले, नहीं है किन का लिटरेसी रेट हाई है किन का कम है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं इस तरह यस yes, कोरिलेशन हर वेरिएबल का कोरिलेशन चेक कर सकता है कि कोरिलेशन एक कंट्री का जीडीपी uh, दूसरे के साथ किस तरह एसोसिएट कर सकता है और हम चेक कर सकते हैं कि यस yes, uh, पाकिस्तान की जीडीपी किन कंट्री के साथ एसोसिएट कर रही है और उन कंट्रीज में अगर कोई स्ट्रक्चरल uh, चेंज आती है उनमें कोई लाइक पेंडेमिक आता है तो उससे हमारी जीडीपी किस तरह डिस्टर्ब होगी हम उससे लाइक एनालाइज कर सकते हैं हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं हम कुछ चीज़ें गेज कर सकते हैं इसी तरह जब हमारे पास पैनल डेटा आ जाता है तो पैनल डेटे को हमने एस्टिमेट किस तरह करना है और एस्टिमेशन के लिए अगेन बहुत सिंपल प्रोसीजर है ईव्यूज़ में हम पैनल ओ अप्लाई कर सकते हैं हम पैनल फिक्स्ड इफेक्ट लगा सकते हैं हम पैनल रैंडम इफेक्ट लगा सकते हैं

इसी तरह अब अग उनमें अगर आपके डेटा है उसमें एंडोजेनाइटिक का प्रॉब्लम आ रहा है इट मीनस द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एरर आर कोरिलेटेड दे आर हाईली एसोसिएटेड फिर हम इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल की तरफ मूव करते हैं एक नया इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ को तो रिलेट करे लेकिन एरर के साथ अनकोरिलेट करे कुछ इस टाइप की आप प्रेशर लगाएंगे ताकि हमारा एफिशिएंट मॉडल यूज हो लेकिन द बेस्ट एंड लाइक मोस्टली यूज्ड टेक्निक्स आर पैनल फिक्स इफेक्ट एंड पैनल रैंडम इफेक्ट E किस तरह उसको हैंडल करते हैं लेट्स सी डियर स्टूडेंट दिस दिस इज़ योर पैनल डेटा वर्क फाइल फाइल आई हैव शेयर्ड विद यू एंड आउट ऑफ़ ये आप देख रहे हैं जी टी पी ग्रास एंड रोलमैंड ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडेक्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेटा रेमिटेंसिस आई हैव सेलेक्टेड ओनली फोर वेरिएबल्स राइट right क्लिक से इसको ओपन एज अ ग्रुप करके इसके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चेक किए जा सकते हैं बट ओपन एज अ इक्वेजन ये उसी तरह पैनल की इक्वेजन ओपन कर देगा जिसमें अगेन योर डिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट वन इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल इन बोथ टाइम सीरीज एंड इन पैनल डेट इज एफ इज इक्वल टू आई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसमें मोबाइल फोन यूज लाइक इंटरनेट यूजर लैंडलाइन यूजर ये आ जाएंगे देन एल आई टी स्टैंड फॉर लिटरेसी रेट ट्रेड ओपन एस टी ओ पी एंड सी इज फॉर कॉन्स्टेंट और इसको अगर हम इक्वेजन में क्रॉस सेक्शन में भी हम कुछ नहीं सिलेक्ट करते और पीरियड में भी कुछ नहीं सिलेक्ट करते तो ये हमारी सिंपल इक्वेजन बनेगी जिसको हम कहते हैं पैनल ओ एल एस एंड पैनल ओ एल एस बाई क्लिकिंग ऑन द ओके दिस इज योर पैनल ओ एल एस सिंपल मॉडल उसने आपको रन करके दे दिया है और इस मॉडल में यू हैव द क्वाफिश है लाइक

पॉइंट थ्री नाइन मीन्स ओनली थर्टी नाइन थर्टी नाइन परसेंट चेंजेस आर एक्सप्लेन इन द मॉडल वाइल रिमेनिंग वन परसेंट चेंजेस आर नॉट एक्सप्लेन इन द मॉडल देन यू हैव द एफ स्टेटिटिक्स यू हैव द मॉडल सेलेक्शन क्राइजे या यू हैव दर्बन वाटसन स्टेटिस्टिक्स इस तरह आप आगे मूव कर सकते हैं इसी तरह इसको अगर थोड़ा आपने एक्सपेंड करना हो दिस इज सिंपल पैनल ओ एल एस इसके बाद हम अगेन बाई क्लिकिंग ऑन द एस्टिमेट यू कैन क्लिक ऑन द पैनल ऑप्शन एंड इन क्रॉस सेक्शन यू कैन क्लिक ऑन द फिक्सड इफेक्ट मॉडल

And constant is two point one, and even the value of I R scale is increasing as compared with previous one. In the same line, by clicking on the estimate to select the panel option, you can run the random effect model. Uh, by clicking on the random effect model, yes, again scale result be little bit milte julte have with your OLS or ICT is positively and significantly contributing in your FDI. लिटरेसी इज नेगेटिवली बट इन सिग्निफिकेंट ट्रेड ओपनस इज पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन योर एफ तो इस तरह हमारे पास एक वैरायटी होगी आप वेरिएबल जिसमें हम सिंपल पैनल ओ रन कर सकते हैं हम पैनल फिक्स इफेक्ट रन कर सकते हैं पैनल रेंडम इफेक्ट रन कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे हम चूज करेंगे कि विच वन इज बेस्ट कौन से मॉडल को हम आगे फर्दर एनालिसिस में यूज करेंगे